प्लेट धकेल रही चीन को। वह जब पलटवार करता है तब आते हैं नेपाल जैसे भूकंप। मैं आपको लगातार पुश कर रहा हूँ, आपके आगे दीवार है, आप कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आप रिएक्ट करेंगे, कभी कम कभी ज्यादा। बस यही हो रहा है भारत की जमीन के नीचे, इसलिए आ रहे हैं लगातार भूकंप। IIT रुड़की के साइंटिस्ट ने बताया कि क्यों नेपाल, भारत और पाकिस्तान में भूकंप आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब हैं, लेकिन डरावने नहीं, डरने की जरूरत है, क्योंकि आज से करोड़ों साल बाद सभी महाद्वीप मिलने वाले हैं, इस बात की संभावना पूरी है। अब दो चीजें जब आपस में मिलती हैं या टकराती हैं तो नुकसान होता ही है, कम से कम जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक तौर पर। IIT रुड़की के अर्थ साइंसेज विभाग के साइंटिस्ट प्रोफेसर कमल ने से खास बातचीत में बताया कि पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों तक हिमालय की पूरी बेल्ट में भूकंप का आना बेहद सामान्य घटना है। पूरा भारत इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पर टिका है, जो यूरेशियन और तिब्बतन प्लेट की तरफ खिसक रहा है। हिमालय के नीचे स्टोर हो रही है भारी मात्रा में ऊर्जा। नेपाल में इस साल अब तक आया सबसे भयानक भूकंप, तीव्रता 6.3। इस साल भारत में 948 बार आया भूकंप, 240 बार अधिक तीव्रता से। सहमे लोग, नेपाल में इस साल अब तक आया सबसे भयानक भूकंप, तीव्रता 6.3। भारत में भूकंप के 5 जोन सबसे खतरनाक जोन में है। देश का 59% इलाका रेल ब्रिज ब्लास्ट में उसी विस्फोटक का इस्तेमाल जिससे गिराया गया ट्विन टावर अमृतसर में भूकंप के झटके 4.1 थी तीव्रता। प्रोफेसर कमल ने कहा कि इसे ऐसे समझिए, मैं आपको लगातार आगे की ओर धकेल रहा हूँ, लेकिन आपके आगे दीवार है, आप कहीं जा नहीं सकते, ऐसे में मेरे धकेलने से आपके शरीर में ऊर्जा स्टोर हो रही है, इससे आपको दर्द होगा, उलझन होगी। ये सभी प्रतिक्रियाएं ऊर्जा स्टोर होने से होती है। आप इसे रिलीज करने के लिए रिएक्ट करेंगे, झिड़केंगे, गुर्राएंगे, पलटकर धक्का देंगे। इस हालात बने हुए हैं एशियाई देशों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। इंडियन प्लेट हर साल 15-20 मिलीमीटर चीन की ओर खिसक रही। असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15-20 मिलीमीटर की गति से तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी अन्य बड़े टुकड़े को धकेलेगा तो कहीं न कहीं तो ऊर्जा स्टोर होगी। तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही है, इसलिए दोनों प्लेटों के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दीवार की ओर कोई धकेल रहा हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ गुर्रा रहे हैं या फिर हल्का हल्का शरीर को हिला रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत, चीन और पाकिस्तान के ऊपर हिमालय की बेल्ट बनी हुई है, करोड़ों साल बाद फिर से बन जाएगा सुपर कॉन्टिनेंट। प्रोफेसर कमल ने बताया कि अगर ऐसे में आप खुद को जोर से धकेलते हैं या फिर आपको धकेलने वाले की तरफ चले जाते हैं या उसे झटकते हैं तो ऊर्जा तेजी से निकलती है, यानी तिब्बत की प्लेट के आसपास स्टोर ऊर्जा तेजी से निकलती है तो भयानक भूकंप आ सकता है। इंडियन प्लेट शहद की तरह धीरे धीरे आगे खिसक रही है। एक दिन ऐसे आएगा जब सारे महाद्वीप मिल जाएंगे, ये मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना देंगे। हालांकि तब तक इंसानियत रहेगी या नहीं ये नहीं कह सकते। ये भी देखें, खत्म हो जाएगा प्रशांत महासागर, सारे महाद्वीप एक हो जाएंगे। भूकंप कब आएंगे कोई नहीं बता सकता, वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं। प्रोफेसर कमल ने बताया कि हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर है, ये धीरे धीरे रिलीज होती रहे तो बेहतर है, एक साथ निकलेगी तो भयानक तबाही होगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा को भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल समेत कई एशियाई देशों की ऊपरी जमीन सह नहीं पाएगी। भूकंप कब आएंगे इसका पता कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं, ताकि अगर कहीं भूकंप आया है तो हम लोगों को सही समय पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की मोहलत दे सकें। हाल ही में आए नेपाल के भूकंपों की पहली लहर की सूचना हमें भूकंप आने की 30 सेकंड बाद ही मिल गई थी।
इन भूकंपों की वजह तिब्बती प्लेट के रेजिस्ट करना। दुनिया में कई ऐसे महाद्वीप हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों से विभाजित हैं। अक्सर इनके नीचे जाकर वैज्ञानिक भूकंपों की स्टडी करते हैं। दिल्ली में 5 तीव्रता का भूकंप 10 मिनट में लखनऊ हिला देगा। अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 से ज्यादा है तो उसकी पहली लहर 10 मिनट में 500 किलोमीटर तक फैल जाती है। यानी दिल्ली में भूकंप का केंद्र बनता है तो लखनऊ तक भूकंप की पहली लहर 10 मिनट में पहुंच जाएगी। ये जरूरी नहीं रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 5 ही रहे, वो कम होती चली जाती है। हल्के झटके मध्य भारत के भोपाल तक महसूस किए जा सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने, टकराने, चढ़ाव, ढलाव से लगातार प्लेटों के बीच तनाव बनता तक महसूस किए जा सकते हैं। ऊर्जा बनती है। अगर हल्के फुल्के भूकंप आते रहते हैं तो ये ऊर्जा रिलीज होती रहती है। ऐसे में बीच बीच में बड़े भूकंपों के आने की आशंका रहती है। अगर ऊर्जा का दबाव ज्यादा हो जाता है और यह एक साथ तेजी से निकलने का प्रयास करता है तो भयानक भूकंप सकते हैं। दिल्ली NCR के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली NCR भूकंप के 5वें और 4थे जोन में है। यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हम भूकंप को न रोक सकते हैं, न टाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली NCR सहित पूरे देश में भूकंप से संबंधित अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएं। पाकिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप आता है तो हमें 5 मिनट बाद पता चलता है कि भूकंप आया है, यानी एक लहर आती है। अगर हमारे पास एक सिग्नल आता है कि भूकंप आ गया है, इस इलाके को यह इतनी देर में हिला देगा, तो इसे कहते हैं अर्ली वार्निंग। हम इसके जरिए लोगों को बचा सकते हैं। उत्तराखंड में हमने पहला ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है। सरकार ऐसे सिस्टम लगाने का प्रयास पूरी तरह से कर रही है। ये देखिए 100 करोड़ सालों में कैसे हिलती रही धरती। कई बात तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपरी हिस्से जमीन पर भी दिखाई देते हैं। ये बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करक देते हैं। IIT रुड़की ने विकसित किया भूकंप अर्ली वार्निंग ऐप। IIT रुड़की ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर एक ऐप विकसित किया है। इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। इस ऐप में एक अलार्म है जो भूकंप आने पर बजेगा, यानी जैसे ही अलार्म बजे आप तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। इसके अलावा अर्ली वार्निंग नोटिफिकेशन मैसेज भी आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली NCR के लोगों को असर हो सकता है। लोग इस ऐप को प्ले स्टोर या एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में इस साल अब तक आए 948 भूकंप। भारत में इस साल जनवरी से अब तक 948 बार भूकंप आए हैं। 240 बार रिक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता से ऊपर के भूकंप थे, यानी इतनी बार लोगों को धरती के कांपने का पता चला। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी NCS के मुताबिक इस साल उनके पास मौजूद 152 स्टेशनों से 1090 बार भूकंप आने की जानकारी मिली, लेकिन सिर्फ 948 बार ऐसे भूकंप रिकॉर्ड हुए जो भारत और उसके आसपास के एशियाई देशों में पैदा हुए। जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने में 948 भूकंप, यानी हर महीने करीब 105 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड हुए हैं जो भारत और उसके आसपास के एशियाई देशों में पैदा हुए। जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने में 948 भूकंप, यानी हर महीने करीब 105 से ज्यादा भूकंप के झटके आए। 4 तीव्रता के नीचे के भूकंपों का पता नहीं चलता। जिन भूकंपों की कपकपी महसूस होती है वो 4 से ऊपर के होते हैं, यानी 4.0 से लेकर 6 या 7 या 8 या उससे ऊपर। जितना ज्यादा सबडक्शन जोन में उथल पुथल उतना ज्यादा भूकंप आने का खतरा। भारत में है भूकंप के 5 जोन। इस हिस्से में ज्यादा खतरा 5वें जोन में देश के कुल भूखंड का 11% हिस्सा आता है, 4थे जोन में 18% और 3रे और दूसरे जोन में 30% सबसे ज्यादा खतरा जोन 4 और 5 वाले इलाकों को है। एक ही राज्य के अलग अलग इलाके कई जोन में आ सकते हैं। सबसे खतरनाक जोन है 5वां।
इस जोन में जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। चौथे जोन में जम्मू और कश्मीर के शेष हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी हिस्से, हरियाणा के कुछ हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार और पश्चिम बंगाल का छोटा हिस्सा, गुजरात, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पश्चिमी राजस्थान का छोटा हिस्सा इस जोन में आता है। तीसरे जोन में आता है केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ हिस्सा, गुजरात और पंजाब के बचे हुए हिस्से, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार का कच्छ इलाका, झारखंड का उत्तरी हिस्सा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ इलाका। जोन दो में आते हैं राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का बचा हुआ हिस्सा। पहले जोन में कोई खतरा नहीं होता, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं।